हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आरके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पोएट्री को कैसे टीच किया जाता है। टीचिंग ऑफ पोएट्री की आज हम बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कुछ डेफिनेशंस, इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री, पर्पज़ या इम्पोर्टेंस ऑफ पोएट्री, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसको टीच करने के एम्स क्या होते हैं, प्राइमरी लेवल पर क्या होते हैं, सेकेंडरी लेवल पर क्या होते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल पर क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोइट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ। ये कहना है प्रोफेसर हडसन का कि जो पोइट्री है वो मेड ऑफ का मतलब होता है बनी हुई है, किससे, लाइफ से। मतलब इसमें क्या होता है पोइट्री के अंदर, हमारी लाइफ से जुड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सब के बारे में ही सारी चीज़ें होती हैं। फिर देखिए, लैंग्वेज इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज़। अब लैंग्वेज जो है उसको बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। वी यूज इट फॉर ओरल एंड रिटन पर्पज़, तो हम बोलने के लिए, लिखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आल्सो फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। पोइट्री इज इंक्लूडेड इन दैट पार्ट ऑफ ए लैंग्वेज। अब पोइट्री जो है उसको भाषा के उस पार्ट में शामिल किया गया है जिसके, विच इज़ यूज्ड गेटिंग प्लेजर एंड इन्जॉयमेंट, मतलब जिसको हम लोग अपनी खुशी के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, इन्जॉय करने के लिए, खुशी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज का जो पार्ट इन्जॉय करने के लिए, खुशी करने के लिए यूज़ होता है उसको कहते हैं पोइट्री। Not only in English but in all languages, poetry is beautiful and softest way of expression of ideas and noble feeling. अब अंग्रेजी ही नहीं, इसके अलावा जितनी भी भाषाएं हैं सभी में जो कविताएं हैं वो अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उनमें क्या करते हैं, कविता के अंदर प्रभावी तरीके से, ब्यूटीफुल वे से हम लोग अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को शो करते हैं। दस पोइट्री इज़ बेस्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो सबसे बेस्ट रूप है पोइट्री, एक्सप्रेस इन द रिदम ऑफ इमेजिनेशन, मतलब रिदम होता है, एक लय होती है, मतलब हम लोग अपनी कल्पनाओं को एक रिदम की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं इसके अंदर। और जो पोइट्री है सोल है इंग्लिश लिटरेचर का, इसकी आत्मा इसको बोलते हैं लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की। पोइट्री इज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ थॉट एंड ब्यूटी ऑफ इमोशन। अब देखिए किस किस की सुंदरता को पोइट्री को कहा गया है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, एक सुंदरता की एक चीज़ है, एक रूप है सुंदरता का, ठीक है, विचारों की सुंदरता है, इमोशंस की सुंदरता इसको कहते हैं। म्यूजिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड पोइट्री। अब म्यूजिकल फॉर्म है दी लैंग्वेज, ये कैसी लैंग्वेज जिसको हम लोग गाकर या पढ़कर बता सकते हैं एक लय की फॉर्म में, उसको कहेंगे पोइट्री। पोइट्री इज साउंडर देन साइट, मतलब सुनी जा सकती है पोइट्री देखने की तुलना में। इट्स अपील मोर टू ईयर एंड हार्ट। देखिए जो पोइट्री है वो कानों से, दिल से जुड़ी हुई है, आंखों की तुलना में, देन आईज। इट इज नॉट रीड बट संग और रिसाइटेड, इसको पढ़ा नहीं जा सकता परंतु इसको गाया जा सकता है। जो रिसाइटेड होता है इसका मतलब पाठ करना होता है, जैसे पंडित वगैरह पाठ नहीं करते, इस तरह से जो बोला जाता है इसको, तो हम उसको रिसाइटेड बोलते हैं। इट इज नॉट टू बी थॉट फॉर बट बी इंजॉयड, अभी एक विचार ही नहीं है, इसको हम लोग इंजॉय करते हैं।
इट इज नॉट टू बी सीन बट हियर्ड, ये देखी नहीं जा सकती, सुनी जा सकती है. देयर फॉर द चीफ एम ऑफ द टीचर शुड बी टू हेल्प प्यूपल्स टू इंजॉय द पोएम. अब एक टीचर है, उसका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए जब वो बच्चों को कविता पढ़ाए कि बच्चे जो हैं इसको इंजॉय कर सकें. ब्यूटी या पोइट्री कैन बी कोट कैन नॉट बी टोट, एक फेमस ये कोट है कि उसको है ना कैच किया जा सकता, मतलब हम लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं पर उसको पढ़ नहीं सकते पोइट्री को. इसके बाद कुछ फेमस डेफिनेशंस देखते हैं पोइट्री की. कोलरिज क्या कहते हैं इसके बारे में कि द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, यदि बेस्ट वर्ड लेकर हम उनको बेस्ट ऑर्डर में लगा देते हैं तो उसको कहा जाता है पोइट्री. फिर वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ क्या कहते हैं, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, एक लगातार प्रवाह है जब हमारी फीलिंग्स जो ओवरफ्लो हो जाती हैं तो वो बाहर आती हैं, वो आती हैं पोइट्री के जरिए. ई एलिन पो क्या कहते हैं, पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ थॉट्स. फिर एस सुब्रमण्यम यहाँ पे ई कर लेना, पोइट्री इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ थॉट, मूड एंड फीलिंग्स. शैले क्या कहते हैं पोइट्री के बारे में, पोइट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन. मिल्टन, पोइट्री इज सिंपल, सेंसुअस, पैशनेट. तो सिंपल का मतलब सिंपल है, सेंसुअस का मतलब होता है भाव, जिसके अंदर भाव हो, सेंस हो जिसके अंदर, और पैशनेट का अंदर, पैशनेट का मतलब आपको पता ही होगा कॉमन वर्ड है, जुनून बोलते हैं इसको. मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कहते हैं, पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इसको पोइट्री को कहा गया है. क्रिटिसिज्म का मतलब होता है विरोध करना, आलोचना करना, तो इसके जरिए हम लोग विरोध आलोचना करते हैं. तो यहाँ पर हमने 7 डेफिनेशंस लिए हैं, कोई भी 2 डेफिनेशंस आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं. इसके बाद हम लोग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री देखते हैं. तो पोइट्री जो हमने पीछे पढ़ा है ना वही है यहाँ पर भी है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखना होता है, सेम ही चीज़ें होती हैं. पोइट्री इज़ द बेस्ट फॉर्म है ऑफ कंपोजिशन की फॉर एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो यदि हमें अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको बेस्ट वे में एक्सप्रेस करना है तो हम लोग पोइट्री की हेल्प से उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट रिदमिकल ऑर्डर का मतलब होता है एक लय वाली ऑर्डर में. पोइट्री एडुकेट्स आवर फीलिंग एंड इमोशंस, एडुकेट्स या एजुकेट भी बोल सकते हैं इसको. ये क्या करती है, एडुकेट्स का मतलब होता है बाहर निकालना, तो अंदर से बाहर निकलती है हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस. और पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, इसके अंदर हम लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, एप्रिसिएशन भी करते हैं. एप्रिसिएशन का आपको पता होगा एक कॉमन वर्ड है, सराहना बोलते हैं इसको. पोइट्री इज सिंपल, सेंसुअस एंड इनकरेजिंग. पोइट्री हैज़ 3 एस्पेक्ट्स, 3 पहलू होते हैं पोइट्री के. चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 पहलू होते हैं. तो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री, रिदम, इमोशंस, इमेजिनेशन. रिदम, इमोशंस, इमेजिनेशन, ये 3 पहलू होते हैं पोइट्री के. इसके बाद इसके आगे कुछ और करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं. पोइट्री इज द म्यूजिकल एंड मैट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की एक म्यूजिकल फॉर्म है, मैट्रिकल फॉर्म है, मैट्रिकल फॉर्म हम बोलते हैं जिसको माप सकते हैं हम लोग, मतलब एक मैट्रिकल फॉर्म है ये, मतलब जिसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, माप सकते हैं कि भाई ये मतलब इसके अंदर कितना जो है दम है, मतलब हम एक देख पढ़ कर उससे जो हमें खुशी मिलेगी, जो हमें हैप्पीनेस मिलेगी उसके जरिए हम मतलब उसको फील कर सकते हैं ये मान लो आप. पोइट्री इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश क्या कोई भी लैंग्वेज आप देखेंगे उसके अंदर जो पोइट्री है वो बेस्ट फॉर्म पोइट्री को कहा जाता है. पोइट्री इज़ द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट,
एज वेल एज इनकरेजमेंट। तो पोइट्री जो है वो आनंद भी देती है और साहस भी देती है। ठीक है, जब हम आज़ाद हुए थे तो उसके कुछ समय बाद एक कविता आई थी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर साथ निभाना, कुछ ऐसी कविता आई थी। वो एक लुधियाना के कवि थे, उनका अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं है मुझे, उन्होंने लिखी थी। तो पूरे देश में वो फेमस हुई थी और उसने देश के लोगों को मोटिवेट किया था एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, मिलजुल कर काम करने के लिए। और ये फिर मूवी के उसमें इसको सॉन्ग के रूप में भी इसको गाया गया था। पोइट्री इज़ द वे ऑफ डेवलपिंग एस्थेटिक सेंस एंड प्लीजर इन स्टूडेंट। एस्थेटिक सेंस हम बोलते हैं जिसको, एस्थेटिक का मतलब सुंदरता होती है और सेंस का मतलब आपको पता ही होगा किसी चीज़ का हम लोग बोध कर रहे हैं या ज्ञान कर रहे हैं। तो ये डेवलप करती है बच्चों के अंदर एक एस्थेटिक सेंस एंड प्लीजर इन स्टूडेंट। पोइट्री इज द वेरी सोल ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट है, पोइट्री डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट। तो डेवलप करती है समझ, कल्पना की जो शक्ति है हमारी कल्पना करने की, इन सबको डेवलप करती है। पोइट्री प्रोवाइड्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपिंग पर्सनैलिटी। अब जो हमारा व्यक्तित्व होता है इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवसर प्रदान करती है पोइट्री। अब हम देखते हैं पर्पस या इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री। अब पोइट्री के पर्पस क्या होते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर पोइट्री को क्यों शामिल किया गया है या पोइट्री क्यों टीच की जाती है या पढ़ाई जाती है। पोइट्री गिव्स प्लीजर। पोइट्री इंक्रीज द चाइल्ड सेंसिटिविटी टू ब्यूटी, स्पेशली ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, एंड हेल्प टू डेवलप हिज इमेजिनेशन। अब कोई बच्चा है, यदि उसको पोइट्री सुनाई जाएगी तो उससे उसको उसकी जो सेंस है ब्यूटी को पहचानने की वो डेवलप होगी, उसको भाषा के जो रूप हैं उसका पता चलेगा, उसके अंदर कल्पना शक्ति विकसित होगी। देयरफॉर आवर चीफ एम शुड बी एबल आवर प्यूपल्स टू एंजॉय पोएम। मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए जब हम स्कूल में क्लास में हम पोएम टीच करते हैं तो वहाँ पर उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। दे शुड बी लीड टू इंजॉय दैम, इट्स सेम मी सेज रायबर्न। तो एक इन्होंने ये कहा है कि भाई बच्चे जो हैं उसको इंजॉय करें और उसमें जो हैं जो मतलब कविता लिख रहा है उसको देखे, मतलब उसके विचारों को देखे कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। आवर एम शुड बी गिव प्लीजर एंड दस ले फाउंडेशन फॉर एडिक्वेट अप्रिसिएशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त और अप्रिसिएशन का मतलब सराहना। तो मतलब नींव डालना होता है उद्देश्य है कि भाई बच्चे जो हैं वो इंग्लिश की जो पोइट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी सराहना कर सके, उसके बारे में जान सके। टीचिंग ऑफ पोइट्री इन आवर स्कूल्स डज नॉट डिफर फ्रॉम द टीचिंग ऑफ प्रोज। अब स्कूलों के अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिस तरह से गद्य पढ़ाया जाता है उसी तरह से पद्य भी पढ़ा देते हैं, मतलब जिस तरह से प्रोज पढ़ाया जाता है जिसके अंदर ऐसे लेसन ये होते हैं उसी तरह से पढ़ा देते हैं स्कूल्स के अंदर भी पोइट्री को, पर उसका उल्टा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि पोइट्री इज कंसिडर्ड एज ए मोर डिफिकल्ट काइंड ऑफ प्रोज विद डिफिकल्ट वर्ड्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड थॉट्स। मतलब हमें पोइट्री को मानना चाहिए कि ये जो है थोड़ी सी अलग है किससे, प्रोज से, क्योंकि इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, एक वर्ड के कई कई मीनिंग निकल जाते हैं, वो इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है या इसके अंदर जो थॉट एक्सप्रेशन का जो मेथड है वो भी थोड़ा सा यूनिक होता है, अलग होता है। पोइट्री गिव्स अस इंटरनल प्लीजर एंड जॉय टू आवर स्टूडेंट्स। अब जो बच्चे हैं उनको एक आंतरिक अंदर से खुशी मिलेगी और उनको आनंद मिलेगा। टीचिंग पोइट्री इन स्कूल हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब स्कूल के अंदर यदि पोइट्री टीच की जाएगी तो उसके ये एडवांटेज होंगे। अब हम इनको एडवांटेजेस को देखते हैं। तो यहाँ पर
देखिए सेंटर में लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग पोइट्री। तो यहाँ पर आठ एडवांटेज की ये जो है हमने एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बना रखा है। देखिए पहला होता है कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास इसके अंदर इंक्लूड होता है। इट इज़ मेमोरेबल, मतलब पोइट्री जो है याद की जा सकती है। बचपन में आपने भी कविताओं को याद किया होगा, याद नहीं भी किया होगा तो सुना जरूर होगा आपने। ये प्रोवाइड करती है इमेंस प्लेजर। इमेंस प्लेजर का मतलब होता है, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक है। प्लेजर का मतलब खुशी। तब जब इसको पढ़ते हैं बच्चे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हेल्प्स करती है एक्वायर स्पीच में, अब सुनेंगे तो बोलने में भी हमें मदद मिलेगी। डेवलप करती है एस्थेटिक सेंस का, मतलब होता है बच्चा जो है उसको एक सुंदरता का बोध होता है इसमें, उसके अंदर अच्छी चीज़ों को पकड़ने की जो है ग्रैप करने की पावर आ जाती है। और इट हैज़ ट्रमेंडस अपील। ट्रमेंडस का मतलब होता है अद्भुत, जो चीज़ बहुत ही अच्छी हो उसको हम ट्रमेंडस बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है अद्भुतता होती है। और हेल्प करती है सेंट्रल आइडिया, हर एक पोएम का कोई ना कोई आइडिया होता है उसको समझने में बच्चे की हेल्प करती है। और इट इज़ ए मीडिया ऑफ वैरायटी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, इसका एक साधन है वैरायटी का ही। अब देखिए इन द वर्ड ऑफ बिलो, इन्होंने क्या कहा है पोइट्री के बारे में। टू लीव पोइट्री आउट ऑफ द लैंग्वेज कोर्स। इसका क्या मतलब है कि पोइट्री को, कविता को यदि हम लैंग्वेज कोर्स का मतलब जो भाषा की पाठ्यक्रम है इससे बाहर कर देते हैं यदि हम। इज टू रिनाउंस एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड ऑफ अब्जॉर्बिंग यूजफुल लैंग्वेज। देखिए इसका, इनका ये कहना है कि यदि हम भाषा के अंदर से, मतलब भाषा का पाठ्यक्रम है उसमें से यदि हम पोइट्री को निकाल देते हैं, इसको निकालने से क्या होगा, एक इफेक्टिव मेथड है ये अब्जॉर्बिंग, मतलब एक प्रभावी तरीका है बच्चे को कुछ चीज़ सिखाने का, तो ये जो है बाहर हो जाएगा। इसका रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, तो ये त्याग हो जाएगा। मतलब ऐसे लगा लो यदि हम कोई भी भाषा है उसके अंदर से कविता को हटा देते हैं तो भाषा जो है नीरस हो जाएगी, मतलब उसके अंदर जो है एक पोएम के अंदर एक इफेक्टिव तरीका होता है, बच्चे उसके जरिए जो है बहुत सारी चीज़ों को अब्जोर्व का मतलब सोखना या सीख लेते हैं उससे। पोइट्री शुड बी टॉट फॉर इंजॉयमेंट ऑफ थॉट फीलिंग इमोशंस इमेजिनरी रिदम विच लीड्स टू एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ लाइफ। अब इस कारण पोइट्री सिखाई जाती है ताकि भाई हम जो है इंजॉय कर सके अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को, इमोशन को, इमेजिनेशन को, इन सारी चीज़ों को हम लोग इंजॉय कर सकें। अब हम लोग एम्स देखते हैं टीचिंग पोइट्री के, कि भाई पोइट्री को टीच करने के क्या क्या एम्स होते हैं। चीफ एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज़ नॉट सो मच टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब देखिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चों की हमें नॉलेज बढ़ानी है इंग्लिश की, नहीं। एम होता है जो ताकि बच्चे जो इंजॉय कर सके और इंक्रीज कर सके अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी को। दो एम होते हैं पोइट्री को टीच करने के, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। एक सामान्य उद्देश्य होता है हमारा और एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। अब हम लोग इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एम्स क्या होते हैं। वही एम्स हैं भाई, बच्चा एंजॉय कर सके, बच्चा अब हम देखते हैं जनरल एम्स, सामान्य उद्देश्य इसके क्या होते हैं। सेम ही है, बच्चा आनंद कर सके, उसको एक फॉर्म का पता चल सके, अपने जो विचार है उनको व्यक्त कर सके। टू इनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी राइम स्टाइल ऑफ पोएम, मतलब बच्चा समझ सके, अप्रिशिएट का मतलब सराहना, बच्चा सराह सके कि भाई सुंदरता राइम स्टाइल को, जब कविता को पढ़ेगा तो बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई ये कितनी सुंदर कविता है, क्या इसकी राइमिंग है। जैसे राइमिंग होती है ना, ए ए ए बी ए बी ए बी, इस तरह से।
टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड अलाउड अलाउड द पोएम विद प्रॉपर स्ट्रेस, यहाँ पे कोमा लगा लेना, रिदम, इंटोनेशन, मतलब बच्चा जो है बोल बोल कर पढ़ सके कविता को, उसको पता चल जाए कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे इंटोनेशन यूज होगा, कहाँ पे जो है वो राइमिंग क्या है, सारी चीज़ें बच्चा जान सके। एक जो अगला है डेवलप करना टेस्ट फॉर पोइट्री रीडिंग, और बच्चे के अंदर एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा इससे कविता को पढ़ने का, लिखने का। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू इंजॉय रेसिटेशन इन इंडिविजुअल एंड कोरस, इसका क्या मतलब है भाई, बच्चा इंजॉय कर सके अपने आप भी और ग्रुप में भी इसको गा कर। कोरस जो होता है गाने वाले के समूह को, उसके ग्रुप्स को बोलते हैं हम कोरस, तो बच्चा खुद भी गा सके इसको और ग्रुप में भी गा सके। जैसे कई बार स्कूल में फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे बच्चों का ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, वो गाता है, पोएम को भी गाते हैं, कई बार गाने वगैरह भी कोई गाए जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है। इसके बाद देखिए एस्थेटिक सेंस डेवलप करना बच्चे के अंदर, ताकि बच्चे को जो है एक सुंदरता का, जहाँ पे भी भाषा का कोई सुंदर रूप है उसको बच्चा पहचान सके। बच्चे के अंदर लव पैदा करना इंग्लिश लिटरेचर, अब ज़्यादातर क्या होता है हमारी कंट्रीज़ में नेटिव लैंग्वेज हिंदी या स्टेट की लैंग्वेज है, बच्चा जो है इंग्लिश से डरता है, उसके लिए एक फ़ॉरन लैंग्वेज है तो डरते हैं लोग इंग्लिश से, तो इससे क्या होता है पोइट्री से उनके अंदर एक लव पैदा होता है इंग्लिश के प्रति, मतलब वो प्यार करने लग जाएंगे इंग्लिश से। फिर बच्चे के अंदर इमेजिनेशन डेवलप करना, कल्पना शक्ति उसके अंदर विकसित हो जाएगी। ऑलराउंड पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट को डेवलप करना, एस्थेटिक सेंस अमंग द स्टूडेंट डेवलप करना, ये जो 8 पॉइंट हैं, यदि आपने वो फ्लो चार्ट समझ लिया होगा जिसमें हमने एक ऐसे सर्कल बनाकर ऊपर ऐसे साइडों में 8 पॉइंट लिए थे, सेम यहीं पे रिपीट हुई हैं, आप उससे भी ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, आपको अपने माइंड के अंदर वो सेट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक एम, कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं हमारे पोइट्री को टीच करने के। द स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम पोएम टू पोएम, अब ये पोएम के हिसाब से होते हैं स्पेसिफिक एम जो होते हैं, वो हर एक पोएम के अलग अलग होते हैं। कोई पोएम हमें कुछ शिक्षा देती है, किसी के जरिए हम नेचर के बारे में जानते हैं, किसी के जरिए हम लोग लव के बारे में जानते हैं, कहीं पर देशभक्ति के बारे में हमें जानने को मिलता है, तो हर एक पोएम जो है उसका अलग अलग स्पेसिफिक एम होता है। दे डिपेंड लार्जली ऑन फीलिंग्स सेंस सिचुएशन एंड थॉट डिपेक्टेड इन द पोएम, अब उसके अंदर पोएम के अंदर देखिए क्या फीलिंग है, क्या सिचुएशन है, क्या विचार है, इन सब के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। जो डिपेक्टेड होता है इसका मतलब होता है वर्णन करना, मतलब पोएम के अंदर क्या चीज़ वर्णन की गई है। ईच पोएम ब्रिंग्स ए स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिव मैसेज फ्रॉम द पोइट, नेवरदलेस फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, हर एक का अलग अलग होता है, इसके बावजूद भी फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ जो स्पेसिफिक एम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। टू कम्युनिकेट टू पीपल विद द एक्सक्लूसिव मैसेज ऑफ द पोएम, अब हर एक पोएम का जो मैसेज है वो बच्चे जान सके, कम्युनिकेट कर सके, अप्रिशिएट कर सके पोएम को बच्चे, ये एक एम है हमारा स्पेसिफिक। नेक्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट टू कैप्चर एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, मतलब बच्चे पोएम को पढ़ के उसका जो मुख्य है उसका मतलब पर्पज़ क्या है उसको लाने का, उसको जान सके बच्चे। टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड द पोएम विद करेक्ट राइम एंड रिदम, मतलब बच्चे एक सही तरह से जो है पोएम को पढ़ सके, उसकी जो लय है, उसकी जो एक म्यूजिकल फॉर्म है उसके जरिए जो है बच्चे उसको पढ़ सके। दीज एम आर ओफन फॉरगटन एंड लेसन ऑन पोइट्री बिकम डल मोनोटोनस प्रोजेक्ट, अब ज़्यादातर स्कूलों में आपने देखा होगा टीचर एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं जब पोइट्री पढ़ाते हैं,
ठीक है। अब ये एम यदि ध्यान में नहीं रखे जाएंगे तो जो लेसन होगा पोइट्री के ऊपर वो डल बन जाएगा, उसके अंदर कोई मज़ा ही नहीं रहेगा, नीरस हो जाएगा, वो मोनोटोनस बन जाएगा। मोनोटोनस का मतलब नीरस ही होता है, और प्रोजैक का मतलब भी यही होता है, सेम से ही मीनिंग है इनके, मतलब उसके अंदर कुल मिलाकर ये बात हम कह सकते हैं कि कोई मज़ा ही नहीं रहेगा, वो बेकार हो जाएगी वो। द टेरर ऑफ एग्जामिनेशन लूम्स ऑन देयर माइंड, मतलब खाली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे उसको पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको पढ़ने का। रिजल्ट कैन बी इजली एप्रीहेंडेड, लेसन इन पोइट्री टीचिंग आर नो बेटर देन लेसन इन प्रोज। अब जो होगा इससे क्या होगा, देखिए, जो लेसन इन पोइट्री टीचिंग आर नो बेटर, मतलब अच्छा नहीं रहेगा वो प्रोज ही बन जाएगी यदि हम उसको ठीक तरह से नहीं पढ़ाएंगे तो। अब देखिए एम्स देखते हैं पोइट्री को टीच करने के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर क्या एम्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लेवल पर, पहली से पांचवी तक हमारे क्या एम्स होते हैं, फ्रॉम 1 to या अप टू 5th स्टैंडर्ड आप इसको कह सकते हैं। टू इंजॉय पोएम और पोइट्री, टू इंजॉय पोएम और अ पोइट्री, इसको बच्चा इंजॉय कर सके, रीड कर सके। लाउड का मतलब, अलाउड का मतलब होता है बोल बोल कर पढ़ना, सहस्वर वाचन बोलते हैं इसको हिंदी में। टू इंजॉय रेसिटेशन, रेसिटेशन का मतलब होता है भाई पाठ बोलते हैं इसको, मतलब पाठ को बच्चा जो है वो इंजॉय कर सके। टू डेवलप टेस्ट फॉर रीडिंग राइटिंग, मतलब बच्चे के अंदर एक टेस्ट हम लोग डेवलप कर सके पढ़ने के लिए लिखने के लिए। इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी लेवल पर क्या एम्स होते हैं हमारे। टू इंजॉय एंड एप्रिशिएट पोइट्री, टू एप्रिशिएट म्यूजिक राइम एंड ब्यूटी, फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ प्यूपिल, मतलब एक समझ का जो स्तर है हमारा, एक लेवल है, उसको डेवलप कर सके, विकसित कर सके। इमेजिनेशन पावर जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं हम, जो कल्पना शक्ति होती है उसको। टू ट्रेन द इमोशन ऑफ प्यूपिल अमंग प्यूपिल्स, और बच्चों के बीच में क्या होते हैं जो इमोशंस होते हैं उनके अंदर, उनको हम लोग क्या कर सके, उनको प्रशिक्षित कर सके, ट्रेनिंग उसकी हम लोग दे सकते हैं इनके जरिए। इसके बाद देखते हैं हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर क्या एम्स होते हैं। टू अप्रिशिएट पोइट्री, टू अप्रिशिएट सब्जेक्ट मैटर, टू अप्रिशिएट इमेज, टू अप्रिशिएट द रिदमिक एंड म्यूजिकल टोन, टू ट्रेन द इमोशन फीलिंग इमेजिनेशन, टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस अमंग प्यूपिल्स, टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कुछ कॉमन पॉइंट हैं, सेम रही रहेंगे, आप लोग इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी हैं। यहाँ पर मैंने आपको सब के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, कि भाई पोइट्री को अप्रिशिएट करना, सब्जेक्ट मैटर को सराहना, अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ की बड़ाई करना, सराहना किसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद बच्चे का जो इमोशन है, फीलिंग है, इमेजिनेशन है, इनको ट्रेन हो करना, ये सारे हमारे एम्स होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने टीचिंग ऑफ पोइट्री के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी हैं, कि उसको कैसे टीच किया जाता है, क्या उसकी डेफिनेशंस रही हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पर्पज़ क्या होता है हमारा, क्या इम्पोर्टेंस है इसको टीच करने के, और इसके एम्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।